हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीकेबी फार्मा गाइडेंस। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन, एक नए वीडियो के साथ। और वो वीडियो क्या है कि जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा, ईएसआईसी 2016 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। एक से लेके 75 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, यानी पार्ट थर्ड हम लोगों ने कम्प्लीट किया। अब चलते हैं पार्ट फोर, लास्ट 25 क्वेश्चन को, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके, यानी 76 क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 76 क्वेश्चन देखें। एंटीबायोटिक पोजेस बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग किसमें होता है? तो बीटा लैक्टम रिंग देखें, फोर मेंबर रिंग होती है, फोर मेंबर रिंग होती है। कुछ इस तरह से आपको फोर मेंबर रिंग मिलेगी। एनएच होगा यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बी, ये फोर मेंबर रिंग। और बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है पेनिसिलिन में, तो इसका आंसर आपका होगा पेनिसिलिन। 77 क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाकोलामाइन, इसमें से कैटाकोलामाइन कौन सा है? तो कैटाकोलामाइन को हम लोग कहते हैं मोनो अमीनो अमीनो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक, ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। और कैटाकोलामीन में आता एड्रेनलिन, एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन एंड डोपामीन, डोपामीन। तो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन डोपामीन ये आएंगे, तो इसका जो ऑप्शन आपको चौथा दिख रहा है वह है डोपामीन। अब है पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय, पैसिव इम्यूनिटी किससे मिलेगा? पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो एंटीबॉडीज हम लोग इंसर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, एक तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर किया जाता है, और इस इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने के लिए हम लोग एंटीजन देते हैं, एंटीजन, एंटीजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये एंटीजन हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को ट्रिगर करेगा और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जब हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं तो पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग एंटीबॉडीज देते हैं, बॉडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो पैसिव इम्यूनिटी मीन्स एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेवेंटी नाइन क्वेश्चन अगर देखा जाए, एन एसिड कंटेन इन बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल में एसिड कौन सा होता है? तो देखें, बैक्टीरियल सेल वॉल तो पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का होता है, जिसमें रिजिड जो होता है वो म्यूरिन्स होते हैं, म्यूरिन्स। और ये म्यूरिन्स में दो चीजें होती हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन, और दूसरा होता है एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, मुरामिक एसिड, ये दो होते हैं। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और मुरामिक एसिड, तो यहां पे ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन मिल रहा है मुरामिक एसिड, यानी ये आपके बैक्टीरियल सेल वॉल में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो होता है मुरामिक एसिड। 80 क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन सा है, यानी एंटी हिस्टामिनिक देखें तो H1 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट, इस तरह से आप कहेंगे तो H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट, यानी जो भी हिस्टामीन होते हैं, हिस्टामीन, ये हिस्टामीन क्या करते हैं, लोकल रिस्पांस को ट्रिगर करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एंटी हिस्टामिनिक लेंगे जो इसको हिस्टामीन के रिलीज को रोकेगा, ठीक। अब हिस्टामीन काम क्या करता है, एक तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन करेगा, साथ में डायलेशन करता है ब्लड वेसल्स का, यानी ब्लड प्रेशर में भी काम आएगा, और ब्रोंकाई पे काम करता है। तो यहां पे देखें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में H1 एंटागोनिस्ट में आएगा डाइफेनहाइड्रामीन, तो ऑप्शन हम लोग का होगा डाइफेनहाइड्रामीन। 81 क्वेश्चन है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, इसमें से नार्कोटिक एनाल्जेसिक कौन सा है? तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक को हम लोग ओपियोइड एनाल्जेसिक भी बोलते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक, और यहां पे ओपियोइड एनाल्जेसिक का ऑप्शन होगा मॉर्फिन, ठीक, तो ऑप्शन फोर होगा मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोसोनॉइड, इकोसोनॉइड इसमें से कौन सा नहीं है? तो इकोसोनॉइड क्या होते हैं, ये लिपिड बेस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड बेस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये क्या करते हैं, बॉडी में इननेट इम्यूनिटी जो होती है इसको रिस्पॉन्स करते हैं, इननेट इम्यूनिटी, और इसमें जो आते हैं इकोसोनॉइड्स में क्या आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, ल्यूकोट्राइन्स आते हैं,
एंड थ्रोम्बोक्सेन आते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि विच वन ऑफ नॉट इको, इसमें से इकोसोनॉइड कौन सा नहीं है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन भी इकोसोनॉइड है, लिकोट्राइन्स भी है, थ्रोम्बोक्सेन है, तो यहां पे जो हमको ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन्स। और ये जो इंटरल्यूकिन्स है ये साइटोकाइन्स होते हैं, साइटोकाइन्स होते हैं जो WBC द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक, तो इकोसोनॉइड कौन सा नहीं होगा, वो ऑप्शन होगा इंटरल्यूकिन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 83 क्वेश्चन देखें क्या है। कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज NSAID ड्रग, ये ड्रग है, यहां पे ड्रग होगा, इसमें से कौन सा NSAID ड्रग है। तो NSAID का मतलब ही होता नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अब यहां देखिए, अभी इसके क्वेश्चन आया था ओपवाइड एनाल्जेसिक, तो ओपवाइड एनाल्जेसिक में हम लोगों ने मॉर्फिन टिक किया था, लेकिन यहां पे NSAID पूछ रहा है कौन सा है, तो ऑप्शन मिलेगा डाइक्लोफेनिक। बाकी देखें जो मॉर्फिन है, कोडीन है, हीरोइन है, ये सारे ओपवाइड सिस्टम में आएंगे, तो NSAID का ऑप्शन होगा डाइक्लोफेनाक। अब आते हैं 84 क्वेश्चन, द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम, यानी पाउडर ड्रग को सॉल्वेंट में रखा जाए, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं मैसरेशन, और ये एक्सट्रैक्शन का पार्ट है, एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं रिमूव करते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम सॉफ्ट टिश्यू से। ठीक, सॉफ्ट टिश्यू से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, और ये जो सिस्टम हो रहा है मैसरेशन। इसी तरह से परकुलेशन भी एक्सट्रैक्शन का पार्ट है, डिकॉक्शन भी एक्सट्रैक्शन का पार्ट है, और रिजर्व परकुलेशन भी आपका एक्सट्रैक्शन का पार्ट है। तो 84 का ऑप्शन होगा मैसरेशन। अब आते हैं 85 क्वेश्चन देखें क्या है, 85 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 85 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ बाइंडर, इसमें से हम लोग बाइंडर की तरह पे कौन सा यूज करेंगे। बाइंडर्स की जो पाउडर पार्टिकल्स को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं यानी जोड़ते हैं, और बाइंडर जनरली हम लोग यूज करते हैं ग्रेनुलेशन में, ग्रेनुलेशन। और ग्रेनुलेशन पार्ट किसका है, टैबलेट फॉर्मुलेशन में हम लोग यूज करते हैं, कैप्सूल फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं ग्रेन्यूल्स को। तो ग्रेन्यूल्स अगर बनाना है तो बाइंडर यूज करते हैं, और इस बाइंडर में जो हम लोग यूज करते हैं इसका ऑप्शन होगा स्टार्च, स्टार्च है जब बाइंडर यूज किया जाता है। और स्टार्च की एक प्रॉपर्टी और होती है, ये डिसइंटीग्रेंट की तरह भी काम करता है। और यहां पे देख लें टाल्क दिया है, तो टाल्क भी हमको पता होना चाहिए कि टाल्क क्या होता है। तो टाल्क देखें, टाल्क हम लोग का काम करेगा डाइल्यूएंट का, सॉरी टाल्क जो है वो ग्लाइडेंट का काम करता है, ये एज अ ग्लाइडेंट काम करेगा, और साथ में लुब्रिकेंट की तरह भी काम करेगा, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। लेकिन यहां पे बाइंडर पूछ रहा है, तो ऑप्शन हमारा होगा स्टार्च। 86 क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालेप्टिक ड्रग, एनालेप्टिक ड्रग कौन है। तो एनालेप्टिक ड्रग जो होते हैं ये CNS स्टिमुलेंट होते हैं, CNS स्टिमुलेंट ड्रग होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। और चूंकि एनालेप्टिक ड्रग पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा निकेटामाइड, ऑप्शन सेकेंड। ठीक, एम्फेटामीन भी CNS स्टिमुलेंट है, लेकिन ये एंटी एनालेप्टिक की कैटेगरी में नहीं आता है, ये आता है सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स में आता है। ठीक, 87 क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फाइलेरियल ड्रग, यानी फाइलेरिया में कौन सी ड्रग इसमें यूज किया जाता है। तो फाइलेरिया में जो हम लोग यूज करते हैं वो ड्रग है DEC डाई इथाइल कार्बामाजिपिन, तो ये हम लोग यूज करते हैं किसमें, एंटी फाइलेरियल में। तो DEC यूज किया जाता है, एल्बेंडाजोल का नाम सुना होगा, एल्बेंडाजोल, ये भी हम लोग एंटी फाइलेरियल ड्रग में यूज करते हैं। 88 क्वेश्चन देखें, द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मेसी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग्स टू, यानी GMP नाम ही आ रहा है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP, तो बीच में M आ रहा है, तो शेड्यूल M होगा, तो ये आपको याद रखना शेड्यूल M। अब थोड़े और भी शेड्यूल देख लें, शेड्यूल X क्या है, तो शेड्यूल X होते हैं नार्कोटिक्स ड्रग के लिए, शेड्यूल X होता है नार्कोटिक्स ड्रग के लिए। ठीक है, तो शेड्यूल X को हम लोग करेंगे नार्कोटिक्स ड्रग में। और इसी तरह से शेड्यूल L अगर देखें,
सीड्यूलैल ये लिस्ट ऑफ ड्रग होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग है ठीक। और शेड्यूल डब्ल्यू में देखें तो लिस्ट है जेनेरिक ड्रग का, जेनेरिक ड्रग का लिस्ट है हमारे पास शेड्यूल डब्ल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 89 क्वेश्चन क्या है, तो 89 क्वेश्चन देखें, अगर 89 क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटीन्यूएटेड वायरस इज टर्म एज, तो किल्ड और एटीन्यूएटेड वायरस रखते हैं वो होते हैं वैक्सीन, और यही वैक्सीन एंटीजन की तरह काम करता है, और जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो एंटीबॉडीज बनाता है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी ठीक है। इसी तरह से एंटी सीरम है, एंटी सीरम वो सीरम जिसमें क्या होता है एंटीबॉडीज होते हैं, टॉक्सॉइड एंड टॉक्सिन, टॉक्सिन बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। 90 क्वेश्चन देखें, डैप्सोन, डैप्सोन लेप्रोसी में यूज किया जाता है, लेप्रोसी की भी डिजीज में यूज करते हैं, ये लेप्रोसिस का ऑप्शन होगा, कुष्ठ रोग में इस डैप्सोन को यूज किया जाता है। अब 91 क्वेश्चन है हमारे पास, 91 क्वेश्चन, कुर्कुमिनोइड्स आर प्रेजेंट इन, तो कुर्कुमिन प्रेजेंट होता है टर्मरिक में, टर्मरिक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हल्दी। अब 92 क्वेश्चन देखें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विथ डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, हार्ट रेट और रिदम, यानी रिदम, रिदम का मतलब होता है लय, और रिदम डिस्टर्ब हो तो हम लोग उसको ए रिदम ऐड कर देंगे, ए रिदम, यानी ए रिदम का मतलब एराइदमिया, ऑप्शन हो गया एराइदमिया, और एराइदमिया का मतलब होता है इररेगुलर हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट इररेगुलर हो जाए तो इसी को बोलते हैं एराइदमिया। तो यहां पे हार्ट रेट का डिसऑर्डर पूछ रहा है तो ऑप्शन होगा एराइदमिया, ऑप्शन फर्स्ट। हम नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं, 93 देखें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्ट कम अंडर द, तो ईस्ट आता है फंगस के कैटेगरी में, तो ऑप्शन सेकंड होगा फंगस। ड्रग सप्रेसिंग नॉजिया एंड वोमिटिंग, तो वो ड्रग जो यूज करेंगे नॉजिया और वोमिटिंग, नॉजिया और वोमिटिंग में एंटी एमेटिक ड्रग यूज करते हैं, एमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, तो वोमिटिंग के अगेंस्ट हो जाएगा एंटी एमेटिक। डायरिया के अगेंस्ट तो एंटी डायरियल होगा, अल्सर जो घाव है उसको ठीक करेगा वो एंटी अल्सर हो जाएगा, और एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक हो गया जो माइक्रोब्स को क्या करे किल कर दे या इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करे लिविंग सिस्टम से, तो इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। तो यहां पे नॉजिया और वोमिटिंग की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट होगा एंटी एमेटिक। 95 क्वेश्चंस देखें, 95 क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का एग्जांपल होगा यहां पे सक्सिनाइल कोलीन। 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल आता है, तो ऑप्शन होगा 4 प्रोपेनोलॉल। बाकी का देखें रेमिप्रिल, ये एज इनहिबिटर होता है। वेरापामिल देखें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ये, और अगर वेलसार्टन लोसार्टन देखें तो ये आरएएस के सिस्टम पे काम करता है, लेकिन बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर पूछ रहा है तो ऑप्शन होगा हमारा 4th एंड दैट इज अ प्रोपेनोलॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 97 क्वेश्चन आपका आ रहा है, 97 क्वेश्चन क्या होगा वो देखें, तो 97 क्वेश्चन आपका ये आ गया, एजेंट यूज्ड टू रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म एज, यानी पूछ रहा है कि वो टर्म बताइए क्या होगा जो एसिडिटी को रिड्यूस करे, तो एसिड को रिड्यूस करे तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं एंटा एसिड, तो ऑप्शन होगा एंटा एसिड, जैसे डाइजीन वगैरह हम लोग यूज करते हैं। 98 है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन इमल्शन, इमल्शन का कंप्लीट सेपरेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग। अब क्रीमिंग और क्रैकिंग दोनों होते हैं, इमल्शन हम लोग को पता है बाइफेजिक सिस्टम होता है, बाइफेजिक जिसमें ऑयल एंड वाटर यूज किया जाता है ठीक। अब ये जब ऑयल एंड वाटर हम लोग ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इमल्शन बना देते हैं तो होता क्या है कि किसी कारणवश ऑयल अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। अब अगर इन ऑयल एंड वाटर को फिर हम मिक्स ना कर पाए, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्रैकिंग, तो क्रैकिंग को कहते हैं इररिवर्सिबल फिनोमिना है। कौन सी फिनोमिना? इररिवर्सिबल। लेकिन अगर एक क्रीमिंग भी इमल्शन में होता है, क्रीमिंग में क्या होता है कि ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है लेकिन जैसे सेक करेंगे फिर ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो क्रीमिंग को हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल फिनोमिना। तो ये कह रहा है कि कंप्लीट सेपरेशन,
तो कंप्लीट सेपरेशन क्रैकिंग में होता है, और सेडिमेंटेट का मतलब होता है ये सस्पेंशन का पार्ट है, सस्पेंशन में आएगा। 99 लैक्राइमल ग्लैंड्स प्रोड्यूस, तो लैक्राइमल आंख में होता है और इससे क्या मिलेगा, टीयर, स्वेट ग्लैंड से स्वेट मिलेगा, ठीक। तो लैक्राइमल आईज में प्रेजेंट होता है जिससे क्या निकलता है, टीयर। वन एमंग द फॉलोइंग इज एल्कलाइटिंग एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस ड्रग इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन सेकेंड होगा क्लोरमब्यूसिल, क्लोरमब्यूसिल। अब एक और क्वेश्चन है लास्ट में जो कि नॉन फार्मेसी के क्वेश्चन से आते हैं, जो 25 क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इसी से एक जनरल सिस्टम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन देखें कि नॉर्मल वीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर, तो वीसीजी वैक्सीन हम लोग यूज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक। तो ये पूरा ईएसआईसी 2016 के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं वो हम लोगों ने चार पार्ट में सॉल्व किया। प्रीवियस तीन पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ और नए एमसीक्यूज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगा, उसको लेके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।